प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हो चुके हैं। पांडव पांडव पत्नी के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करने वाले और दूसरे जीवनों में निश्चित रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी छवियां, ऐसी विभूतियां जो हमारे बीच में विद्यमान, 1212 यह सुंदर छवि जो हम निहार रहे हैं, ये राष्ट्र की धरोहर है। थोड़ा पीछे पीछे राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो भयं भये श्रवणाय गुर्महे समेकामान। क्या माँ बाप के लिए बचा बूढ़े तो शिष्य बैठे थे और युवा गुरु युवा बैठा। कुछ लोग वयोवृद्ध होते हैं और कुछ लोग होते हैं ज्ञान वृद्ध। माता पिता के अलावा गुरु ही ऐसा है जो अपनी शिष्य की प्रसन्नता और शिष्य को आगे बढ़ता देखना चाहता है। नेता तो किसी का शिष्य होता ही नहीं, वो तो सभी का गुरु होता है। और हमारे आचार्य जी जो हैं वो अखाड़े के गुरु हैं, तो मुझे तो लगता है दो शिष्य नहीं, दो गुरु इधर उधर बैठे हुए हैं। बहुत दुखद है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, चाहने वालों को, सबको असमय जो इस महा एक कठिन दुख आया है उनके जीवन में उसको सहने की शक्ति प्रदान करें और भगवान बाकी सभी को अपना शोक संतप्त परिवारों को भी हम अपनी तरफ से भी कि सभी को भगवान जो है शक्ति और सहन करने की प्राप्त कहने का मंदिर मंदिर हमारे यहाँ भी बहुत है इसको लेकर हम लोग लगातार सजग हैं दोनों चीज़ों को लेकर। इस समय महामारी का भी समय चल रहा है उसको लेकर भी और इस प्रकार की कोई घटना न हो हम सभी को प्रशासन को अलर्ट करेंगे। कांग्रेस ने एक मौन व्रत शुरू किया, हरीश रावत जी ने देहरादून में आज जाने। देखिए आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। कोरोना महामारी के समय में भी सारे काम चलते रहे हैं, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर किसी को दो वक्त का भोजन मिले ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ कोरोना की जो वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन लाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके साथ साथ सारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कोरोना महामारी आने से पहले बहुत कम थे, ऑक्सीजन के बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, हमारे यहाँ PPP किटें बहुत कम थी, हमारे यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं थे, मास्क नहीं थे, जितने भी सामान और कंसंट्रेटर नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, उन सब में सैकड़ों गुना की वृद्धि हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, कोई काम रुका नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।